ये कहानी है पांच दोस्तों की, कुछ अच्छे कुछ कम अच्छे नहीं नहीं बुरे तो बिल्कुल भी नहीं, आपके और हमारे जैसे सरल साधारण लोग। हर एक के जीवन में कुछ नए इरादे, कुछ नए वादे। गौर से देखो, समझो, हर एक का एक अलग वजूद, और हर किरदार में ये भी सोचो, क्या हम भी हैं कहीं इनमें मौजूद। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस छोटी सी कहानी से आप आज क्या संदेश लेकर जाएंगे। हेलो, हाय, सिद्धांत बोल रहा हूँ। अरे सिद्ध, हाँ 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 हाँ, बोल भाई, क्या हुआ? अरे भाई याद है ना, आज प्रिंसिपल जाना है हम सबको। बात की थी मैंने। यस 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 ब्रो, आई रिमेम्बर। हाँ हाँ हाँ, जाना है ना भाई। सुनना, वो प्रिया का फोन आया था। यू नो ना, मी एंड प्रिया, अरे उसके फ्रेंड के है ना पार्टी है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू सबको लेके वहाँ पे जा और मुझे कॉल कर। हाँ, वीडियो कॉल कर, 2 बजे के बाद मैं वहीं पे रहूँगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा। हाँ पक्का पक्का पक्का, आई बी देर, आई प्रॉमिस। चलो बाय। आज भी नहीं छोड़ता है। ये है हमारे राज, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। DDLJ देखकर बड़े हुए और हमेशा सेनोरिटा के सपनों में खोए रहे। बड़ी मशक्कत के बाद इनकी लाइफ में एक दुर्घटना घटी। अरे अरे घबराइए मत, दुर्घटना घटी मतलब फाइनली एक लड़की पटी। इनके जीवन का फंडा सिंपल है, एक हॉट लड़की और ढेर सारा प्यार, साथ अगर हो तो लाइफ सेट है यार। हमने कभी जो ना सोचा था वो उस दिन हुआ। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। प्रिया ने फोन किया, राज वी नीड टू टॉक, अर्जेंट है। राज ने कहा, बोलना क्या हुआ, अपसेट क्यों है? दोस्तों जिंदगी में किसी को हमसफर बनाने से पहले ये जरूर देख लेना, कहीं हर मोड़ पर साथी बदलना उसकी आदत तो नहीं। कहानी में ट्विस्ट यूजुअली लड़की ही लाती है। प्रिया की शादी तय हुई NRI लड़के शोभित मित्तल के साथ, और प्रिया ने फोन पे राज से एक लास्ट सेंटेंस कहा, इट्स नॉट यू, इट्स मी, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। सबने यही कहा ना कि तू उसे भूल जा। देख भाई, मैं तुझे उसको भूलने को नहीं कह रहा, पर उसको इस तरह से याद रख कि तुझे करियर में ऊंचाई पाने में एनकरेज करे। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना तेरे साथ, स्वामी जी है हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। चल दर्शन करने जाते हैं, आ जा। दिल में एक जज्बात है, दबाऊं कैसे, रुसवा न हो जाऊं छुपाऊं कैसे, तन्हा छोड़ गई हो मुझे जब से, माँ कसम इतना खुश हूं कि बताऊं कैसे। आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। आज इन चारों की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राज जो लड़का पूरे दिन कितनी सारी लड़कियों के ख्याल में रहता था, न जाने कितने प्रपोज मारे थे पर ना ही सुन रहा था, बट थक नहीं रहा था, और अब लड़कियां प्रपोज कर रही है और ये ना बोलते बोलते थक चुका है, क्योंकि उसे अब उनसे प्रेम हो गया है, जिसके साथ प्रेम करने के बाद दुनिया के सब प्रेम फीके लगते हैं।
सब में सोचने वाली बात यह है कि सिद्धांत ने यह सब किया कैसे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया कैसे, आम अशक्यनु शक्य थयु केवी रीते, क्या उसके पास संजय दत्त सी जादू की झप्पी थी या फिर उसके पास क्रिश की तरह कोई जादू जैसा दोस्त था, या वो ओ माय गॉड का अक्षय कुमार था जो सारी प्रॉब्लम हल कर देता था। नहीं नहीं, अगर नहीं तो उसने किया कैसे, उसके पास स्वामी जी थे। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के बताए गए रास्तों पर अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर बस चलता रहा। अगर हमारी लाइफ में सिद्धांत जैसा दोस्त हो तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी लाइफ में सिद्धांत जैसा दोस्त हो तो वर्चुअल वर्ल्ड में खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी लाइफ में सिद्धांत जैसा दोस्त हो तो लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं। अगर हमारी लाइफ में सिद्धांत जैसा दोस्त हो तो हम हमारे किसी भी स्वभाव को बदल सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में सिद्धांत जैसा दोस्त हो तो हम फैमिली और पैसों का रियल इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, और ये लिस्ट नेवर एंडिंग है।